हमारा घर अब टूट रहा है। तो हमारा भी जो नीचे का फ्लोर है ना वो टूट रहा है, तो चलो मैं आपको भी नीचे का फ्लोर दिखा देती हूँ और एक बार है ना पापा से भी पूछ लेती कि कैसे कैसे सब कुछ बनने वाला है। आ जाओ गाइस, एकदम डिटेल में देखते हैं सब। पापा कहाँ पे हो? ये देखो, ये टूट गया, मतलब इधर का। अभी ये ज्वाइन हो जाएगा ना, एक बार सबको ऐसे डिटेल में बताओ कैसे कैसे होने वाला है। ये जो है ये ज्वाइन हो गया, उधर की साइड है हमारा न्यू हाउस और इधर की साइड है हमारा ओल्ड हाउस। ये हो गया अपना इधर न्यू, ऐसे पूरा यहाँ पे ये रहेगा। यहाँ पे अभी ये इधर इधर ये साइड है ना, ये तुम्हारा पूरा किचन रहेगा। ये इधर की साइड पूरा हमारा किचन, वहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक का पूरा किचन रहेगा। देख रहे हो मम्मी, इतना बड़ा किचन मिल रहा है आपको? मैं तो बहुत खुश हूँ। तो ये इतना बड़ा ऐसा ये किचन रहेगा। और इधर की साइड से एंट्री रहेगी ना हमारी। हाँ, और उधर जाने के लिए ये साइड से रहेगा। मम्मी को अब उनका ड्रीम किचन मिलने वाला है। इधर आओ। अब यहाँ पे ना वो काउंटर बनेगा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट काउंटर बनेगा, यहाँ पे सीधे से चेयर रहेंगे से दो तीन। हाँ, पे ब्रेकफास्ट काउंटर इधर बनेगा। ठीक है, समझ गए हम लोग। ब्रेकफास्ट काउंटर जो है वो इधर की साइड बनने वाला है। हाँ, और ये सब ओपन किचन रहेगा। और यहाँ पे होगा हमारा डाइनिंग टेबल, बड़ा बड़ा डाइनिंग टेबल यहाँ पे। यहाँ से लेके यहाँ तक डाइनिंग एरिया रहेगा हमारा। कितना मजा आएगा ना, इतना बड़ा किचन, इतना मस्त। और यहाँ से अगर आप जाओ तो यहाँ से है न्यू हाउस और इधर के साइड हॉल है और इधर सीढ़ियों से ऊपर बेडरूम। हाँ, एंड इधर के साइड मंदिर, इधर का तो पता ही है आपको। तो अभी तो है ना नीचे का सब कुछ टूट रहा है, लेकिन है ना दो दिन के बाद में ऊपर के फ्लोर यानी जो फ्लोर पे हम लोग रहते हैं फर्स्ट फ्लोर का भी है ना किचन वगैरह सब कुछ टूटने वाला है। तो हमको है ना सब सामान है ना ऊपर वाले गेमिंग फ्लोर पे शिफ्ट करना है ना पापा। सेकंड फ्लोर पे अभी हमको है ना, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। हाँ। फिर हमको अभी है ना सेकंड फ्लोर पे सारा शिफ्ट करना है और हमको अभी है ना सेकंड फ्लोर पे रहने जाना है कुछ दिन के लिए, मतलब दो महीने के लिए। दो महीने के लिए एक एक हॉल, एक किचन और एक ही बेडरूम। और वो कंजेशन में हमको सब पूरी फैमिली को ना एक ही एक रूम में रहना है बस। वो भी एक्सपीरियंस करके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। और वहाँ पे प्रॉपर बेड नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, मतलब एकदम कंजेशन में रहना है, एकदम जैसे हम पुराने घर पे रहते थे। ये बचाने के चक्कर में। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि अभी हमको है ना शिफ्ट करना है मम्मी। हाँ तो कर लेंगे ना शिफ्ट, मैं तो खुश हूँ बहुत। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, ताकि यार हमारा घर जल्दी से बन के रेडी हो, है ना मम्मी? यस। मम्मी का किचन देख के मम्मी बहुत खुश हो गए, अभी बहुत अच्छा और उनके मर्जी से किचन बन रहा है ना। क्या हुआ पापा? अरे ये है ना अपने घर में ना ये अभी तोड़फोड़ का काम चल रहा है ना, ये और वो है ना, ये दोनों जन मिल के है ना अपने घर का तोड़फोड़ का काम कर रहे हैं। 12th के एग्जाम दी इसने, 12th कौन से स्ट्रीम से दी? 12th के एग्जाम साइंस एग्जाम दी। और देखो ये मतलब पार्ट टाइम जब तक रिजल्ट आएगा या फिर जब तक जॉब वॉब लगे तब तक ये ना अपने यहाँ पे काम कर रहे। देखो, प्राउड ऑफ यू भैया। तो फोटो निकालना है? हाँ हाँ, जाओ फोटो निकालना। ये सब ठीक है, मामा की रूम कौन सी होगी? मामा को उधर के न्यू वाले रूम देंगे ना। कौन सी? उधर वाली। हाँ, मामा को होनी चाहिए। क्यों? इसको बाथरूम के साथ वाली चाहिए। अटैच बाथरूम रूम चाहिए मामा के भी, अभी अलग लग रहे हैं। मास्टर बेडरूम वाली रूम चाहिए मामा को, जिसमें बाथरूम भी हो। मतलब मामा अच्छा खासा कब्जा कर रहा धीरे धीरे। पहले एक छोटी रूम थी, फिर बाद में बड़ी रूम हो गई अटैच बाथरूम के साथ। अब मामा को है ना उससे भी बड़ी रूम चाहिए विद अटैच बाथरूम विद पीसी। हाँ, मेरे को ऊपर सुने आया कि इधर इधर घर का बंटवारा हो रहा है, जायदाद का बंटवारा हो रहा है इधर, इसलिए मैं भाग के दौड़ के नीचे आया। मेरे को मेरा हिस्सा भी चाहिए। ये वाला कितना मस्त लग रहा है ना, बालकनी वाला स्पेस जो कृष्णा की बेडरूम है वो वाली। पता है यार
आप सबको भी बहुत सारा काम है, हमको है ना घर ऊपर के फ्लोर पे शिफ्ट भी करना है, फिर ऊपर के फ्लोर की जो सारी साफ सफाई है वो भी करनी है। हमारा ये जो किचन है ना, ये हमको ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट करना है और ये सारा सामान हमको ऊपर लेकर जाना। ये देखो चीने क्या कर दिया, ये देखो इसने रिमोट पानी में डाल दिया। वो रिमोट है ना फास्ट नहीं चल रहा था, अभी मैंने पानी में डाला था अभी चलेगा। ए क्यों रे, किसने डाला वो पानी में? किसने ये रिमोट किसने डाला पानी में? नहीं क्या बोल रहा, किसने डाला ये रिमोट पानी में? दादा ने डाला। देखो कुछ काम धंधा नहीं कर रहा, मैंने थोड़ी डाला, इसने डाला वो। ये रिमोट पानी में किसने डाला? नहीं दादा ने, ये तूने डाला है पानी में। मेरे घर में अगर रहने का तो सीधे रहने का, नहीं तो मैं घर से हकाल दूंगा, समझा का तू? आ दुका फटके, आ दू फटके देखो, आ आ आ आ लेमन डालता पानी में तू, आ आ चले आ आ अपन दोनों मिलके डालेंगे रिमोट पानी में। नहीं देखो, ये ले ये डाल, जा पानी डाल जा। नहीं मुझे नहीं डालना पानी में। मम्मा नहीं, बस करो यार। अभी मैं ना सबसे पहले आपको ऊपर लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ ऊपर वाला फ्लोर पे हमको कितना सारा साफ करना है। ये देखो देखो, ये रहा मेरा ऊपर का फ्लोर, यहाँ का किचन का जो सारा सामान रखा हुआ था ना हमने यहाँ पे ऊपर वगैरह, तो ये सब साफ सफाई हो गई है, अभी ऊपर किचन शिफ्ट करना है हमें। तो ये जो मेरा गेमिंग वाला फ्लोर है ना, यहाँ पे हम लोग 2 महीने के लिए शिफ्ट करने वाले हैं। पापा ने बिकॉज बताया ही है कि नीचे जो है ना सारी तोड़फोड़ होने वाली है और न्यू घर और ओल्ड घर ऐसे है ना ज्वाइन होने वाले हैं अंदर से, इसीलिए हमको ऊपर शिफ्ट करना है। देखो यहाँ पे सब मावशी जो है वो काम कर रहे हैं। हाय हाय। तो ये जो मेरा कंप्यूटर वगैरह सब कुछ ऐसे ही यहीं पे रहेगा, इसको मैं कहीं शिफ्ट नहीं करा रही हूँ। ये देखो ऐसे स्टार्ट होता है हमारा ऊपर का फ्लोर, ये है हॉल और इधर की साइड है हमारी मास्टर बेडरूम, ये अटैच बाथरूम इधर, और इधर की साइड जाओ तो इधर की साइड है मेरी गेमिंग रूम और इधर की साइड रहेगा किचन। ये एकदम टॉप फ्लोर है और सामने का व्यू देखो ऐसे है। तो यार ऐसे छोटे छोटे पल को एंजॉय करना चाहिए, बहुत मजा आता है, इसी को तो लाइफ कहते हैं। ये देखो ये है मेरी सिल्वर एंड गोल्डन प्ले बटन, जब मेरी न्यू गेमिंग रूम अच्छे से एकदम सेटअप वाली बन जाएगी ना तब मैं अपने सिल्वर एंड गोल्डन प्ले बटन लगाऊंगी। देखो मेरे पास 3 सिल्वर प्ले बटन है और 3 गोल्डन प्ले बटन है, एक वाला गोल्डन प्ले बटन जो है वो नीचे के फ्लोर पे है, तो बाद में दिखाऊंगी मैं आप सबको कितने सारे मेरे पास, और ये जब दीवार पे लगेंगे तो कितना मस्त लगेगा ना। तो ऊपर का जो सारा फ्लोर है वो अच्छे से साफ हो गया, अभी टाइम है सामान ऊपर शिफ्ट करने का। तो सबसे पहले हम लोग किचन से स्टार्ट करें, चलो आंटी सब सामान शिफ्ट करा रहे हैं ऊपर। वाह वाह आंटी, एक साथ दो दो डब्बे उठा लिए आपने। देखो ये जो रैक बोलते है ना ये भी ऊपर आ गया है और ये सारी चीजें भी ऊपर आ गई है, और ये देखो बढ़िया है ना बाबा। और क्या लेते और क्या लेते, कुछ नहीं लेते। अभी आप उधर के रूम में शिफ्ट होने वाले हो। काव्या दिव्या के बारे में तुम पूछते रहते ना, एक मिनट। अरे पापा बताना है, बताना है दिव्या के बारे में, बताओ। दिव्या और काव्या की फोटो है वहाँ पे। तो गाइस देखो हम लोग एकदम टॉप फ्लोर पे शिफ्ट हो गए, अभी हम टॉप फ्लोर से एक्सपीरियंस करके देखेंगे कितना मजा आता है एकदम ऊपर वाले फ्लोर पे रहने के लिए। ये देखो पापा ये रूम भी साफ हो गई है, अभी ये रहेंगे हमारे बेडरूम। देखो अब तो बेड की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे 2 गद्दे डाल दिए, 2 गद्दे ही है। हाँ, तो ये बेड ही बन गया पूरा। हाँ अभी आपको पता नहीं था ना ये 2 गद्दे है गाइस, ये बेड नहीं है। सो जाएंगे यहाँ पे, सोया करेंगे अभी हम लोग 2 महीने तक। ये देखो आज हम लोग सोफा भी ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं। क्या हो? ये तीनों के बस की बात नहीं, वो बाहर निकालना। निकल गया, रहने दो पापा। मोय हो गया। चले कुछ तो बोलने वाले थे अभी पापा यहाँ पे, लेकिन शांत हो गए, सोफा निकल गया है तो। मम्मी ये टेबल कहाँ पे रखना है अपने को? सबसे ऊपर टेरेस पे रखना है। अच्छा
अच्छे ही टेरेस पे लेकर जाना है। देखो ये पहले हमारा डाइनिंग टेबल हुआ करता था, लेकिन अरे ये टूट गया एक साइड से, थोड़ा साइड कर देते। अरे टूट जाएंगे टिप्पू। तोड़ दिया, आप बहुत हेवी हो। मामा को बुला। अरे नहीं बैठेगा, मामा को बुला। मामा मामा टेबल टूटला। टेबल तोड़ दिया तूने। क्या तोड़ दिया, मैंने से एक पैर टूटा हुआ था, उधर का जो पैर है ना वो टूटा हुआ था, तो मेरे से इधर का निकल गया, उसमें क्या हो गया इतना। और ये टीवी हमने ना बड़ी वाली जो टीवी थी ना वो लगा दिया यहाँ पे। देखो मैंने सोचा है कि मैं ना अपने गेमिंग रूम के ये वाले कर्टन हटा के ये वाले कर्टन डार्क कर्टन जो है ना वो लगाऊं, और नीचे है ना काम चल रहा है इसलिए आवाज आ रही होगी, प्लीज इग्नोर करना आवाज को, मेरी आवाज पे ध्यान दो। चलो गाइस काम पे लग जाते हैं। जो है वो लग गया। मम्मी कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। ये भी आ गया है हमारे घर में है ना, एक और मेजर चेंज हुआ है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चेंजेस हुए है। ये देखो इधर के साइड की जो दीवार थी वो टूट गई है, और अभी ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गई है कृष्णा के बेडरूम से, है ना। ये कृष्णा के बेडरूम होगी, तेरी बड़ी वाली बेडरूम होगी उधर के साइड। और यहाँ पे देखो कैसा लग रहा है। ये जो डिजाइन है ये अच्छी लग रही है, बाहर से भी मैंने आप सबको दिखाया, आप लोग बताना कैसी लग रही है। ये देखो इधर पीछे के साइड कैसे लग रहा है। अभी इधर लेफ्ट साइड देखो, ये इधर ऐसे सन की लाइट आ रही है ना, कितना मस्त आ रहा है ना। यहाँ पे फोटोज अच्छे क्लिक हो सकते हैं। देखो गाइस मैं कितना काम कर रही हूँ। ये जो हमारा हॉल का यहाँ सोफा था ना, ये हट गया ना, तो ये कितना गंदा हो रखा है, इसलिए अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। हमको है ना ऐसे ही रहना है अभी कम से कम 4 महीने कंजस्टेड ऊपर। यहाँ भी ऊपर के फ्लोर में हम आ गए, जैसा नीचे सेटअप था वैसे हमने ना नीचे सेटअप किया, और ये ऐसा एकदम देसी किचन, एकदम देसी जहाँ पे नीचे सारा सामान। और मैं और डिब्बू तेरे को ना तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए तुम लिमिटेड खाना बनाओ और हम अभी बाहर से खा के आते। पाव भाजी खाने हैं। चल 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 इसे बात कर। चल देखो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, अभी पापा और मैं जाने वाले हैं पाव भाजी खाने के लिए। लेट्स गो। बहुत दिनों के बाद मैं बाहर की पाव भाजी खाने वाली हूँ। देखो हम लोग आज बाइक पे बाहर जा रहे हैं। रेडी पापा? चलो कितने दिनों के बाद में बाइक पे जाने वाले हैं। लेट्स गो पापा, भगाओ अच्छे से। पाव भाजी खाने जाने से पहले हम लोग आ गए हैं मंदिर, चलो अंदर चल के दर्शन करते हैं। तो हमने ना मंदिर में दर्शन कर लिया, अभी हम जाएंगे पाव भाजी खाने के लिए। और है ना पापा एकदम अच्छी जगह लेकर जाएंगे जहाँ पे बहुत टेस्टी पाव भाजी मिलती है ना पापा। हाँ। बाकी बाल तो देखो कितने मस्त लग रहे हैं, सिल्की सिल्की। देखो गाइस हम लोग आए हैं केले की पाव भाजी खाने के लिए, जो बहुत टेस्टी होती है ना पापा। और पापा की वन ऑफ द फेवरेट पाव भाजी में से है ये। देखो कैसी बनी है, खुशबू कितनी मस्त आ रही है ना पापा। मैं दबा के खाऊंगा एकदम पाव भाजी। मैं भी, खुशबू बहुत मस्त आ रही है। ये देखो ये रही हमारी गर्मा गर्म पाव भाजी, कितनी यम्मी लग रही है ना।
खा के ना आनंद आनंद झाला, बहुत खुशी हुई। अभी है ना मस्त ठंडा ठंडा, चला जा अभी है ना मस्त ठंडा ठंडा बादाम शेक पियेंगे। पापा बादाम शेक पीना है? हाँ पियेंगे। चलो डील डन हो गई, बादाम शेक पीने की अभी हम लोग चलते। तो मम्मी को है ना नए किचन में खाना बनाने के लिए तकलीफ हो जाती, इसीलिए हमने सोचा कि आज हम लोग है ना बाहर ही खाना खाते हैं। और हमारे सिटी में ना बहुत सारा स्ट्रीट फूड मिलता है। अगर आपको है ना स्पेशल वीडियो चाहिए मेरे सिटी के स्ट्रीट फूड ब्लॉग का तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना सारा स्ट्रीट फूड है, यहाँ पे भी हम लोग है ना ठंडा ठंडा बादाम शेक पियेंगे। ये देखो ये पापा बादाम शेक लेके आए। वाह चल चल, अच्छा लग रहा क्या? बहुत टेस्टी है। हाँ ऐसे अपन दोनों घूमने आने का, बाकी तेरे मम्मी को नहीं लाने का, बोर करती हो। मम्मी बोर करती है हमें, अभी हम पापा और मैं ऐसे ही घूमने आया करेंगे। अब कृष्णा को कल से छुट्टियां लग जाएंगी और फिर हम लोग जाएंगे लोनावला वाले बड़े वाटर पार्क में। तो क्या बोलते हो मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम की शॉपिंग करे? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बड़ा मजा आने वाला है, आप बस वेट करना।